दोस्तों, फिल्मी किस्से में आज हम बात करने जा रहे हैं उस रोमांटिक चॉकलेटी हीरो का जिन्होंने पिता का कर्ज चुकाने के लिए बना हीरो। तुमको रखूंगा दिल में बसा के, मेरी धड़कन तुम हो। एक रोल ने बनाया रोमांस का बादशाह। हीरी इसी अदा पे सनम, मुझको तो फिल्मी बैकग्राउंड से आए हिंदी सिनेमा के वो दिग्गज अभिनेता जिन्होंने बचपन से ही एक्टिंग को काफी करीब से देखा। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है एक अंचन। हिंदी सिनेमा का वो अभिनेता जिसे ना एक्शन आता था और ना ही डांस, इंडस्ट्री में कदम भी उस दौर में रखा जब एक्शन हीरो का बोलबाला हुआ करता था। फिर भी अपनी क्यूट स्माइल और हाथ में गिटार पकड़ने वाले अंदाज से ये एक्टर रोमांस का बादशाह बन बैठा। चुन लूं होंठ तेरे, दिल की यही ख्वाहिश है। करियर के पीक पर पत्नी के कहने पर इंडस्ट्री को एक झटके में अलविदा कह दिया था। दोस्तों, वो जाने माने एक्टर है सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर, जिनकी फिल्में दर्शकों को उनका मुरीद बना दिया करती थी। उन्होंने इंडस्ट्री को कई शानदार फिल्में दी, उन्हीं में से एक फिल्म थी बॉबी। हम तुम कमरे में बंद हो। बॉबी साल 1973 की जबरदस्त हिट साबित हुई थी। इसी फिल्म से डिंपल कपाड़िया ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को बनाते समय राज कपूर बुरी तरह से कर्ज में डूबे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लेकर इस फिल्म को बनाया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। ऋषि कपूर तो इस फिल्म से रातों रात स्टार बन गए थे। इस फिल्म के बाद ही वो रोमांस के बादशाह कहलाने लगे थे, क्योंकि ये दौर एक्शन फिल्मों का था। ऐसे समय में ऋषि कपूर को बतौर रोमांटिक हीरो लॉन्च करना उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ था। इस फिल्म के एक पॉपुलर सॉन्ग के लिए तो ऋषि कपूर काफी घबराए हुए थे, क्योंकि वो गाना बिना किसी कोरियोग्राफर के ही शूट किया गया था। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में किया है। हालांकि गाने को ऋषि कपूर काफी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया था। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद राज कपूर का भी सारा कर्ज उतर गया था। ये फिल्म राज कपूर और ऋषि कपूर दोनों के लिए ही लकी साबित हुई थी। इसके बाद ऋषि कपूर ने कई हिट फिल्में दी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन साल 2000 आने से पहले ही ऋषि कपूर फिल्मी दुनिया को अलविदा कह चुके थे। ऋषि कपूर ने न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि एक समय के बाद पत्नी नीतू कपूर ने कहा कि अब उन्हें फिल्मों से ब्रेक ले लेना चाहिए। एक्टर ने पत्नी की बात मानकर एक झटके में ही इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। हालांकि बाद में कमबैक किया तो वह पिता के रोल में नजर आने लगे। दोस्तों, ऋषि कपूर का कौन सा फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।